नेक द्वारा ए ग्रेड से सम्मानित व UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त स्वशासी संस्थान वर्तमान में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध होलकर विज्ञान महाविद्यालय अपने प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्वोच्च परिश्रम निवेश करते आया है और निरंतर कार्यरत है। अपनी इसी निष्ठा के फलस्वरूप मेधावी शिष्यों का जनक सिद्ध हुआ है। ऐसे ही एक उदाहरण कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थी जिन्होंने आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा महाविद्यालय में शिक्षक के तौर पर न केवल अपनी शिक्षा प्रदान की अपितु 1954 से 1964 तक प्राचार्य के दायित्व का भी निर्वहन किया। उन्हीं के नाम से परिसर की एक ऐतिहासिक डॉक्टर WV भागवत प्रयोगशाला विगत 4 वर्षों से एक नया कीर्तिमान रच रही है। वर्तमान के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश जी सिलावट सर व प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर RC दीक्षित सर एवं रसायन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनामिका जैन मैम के नेतृत्व में रखा गया 10 दिवसीय इंटर्नशिप ट्रेनिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स फॉर PG स्टूडेंट्स प्रोग्राम सराहनीय है। माननीय प्राचार्य महोदय ने कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं प्रेषित की। की टीम एवं विभागाध्यक्ष द्वारा MSc छात्रों के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने पर मैं उनको बधाई देता हूँ। यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा तथा उनके प्लेसमेंट में सहायक होगा। रसायन शास्त्र विभाग के ये प्रयास प्रशंसनीय है। भविष्य में महाविद्यालय प्रशासन इसी प्रकार अपना सहयोग प्रदान करता रहेगा जिससे छात्रों के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होगा। प्राचार्य महोदय के उद्बोधन के उपरांत कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर RC दीक्षित सर ने महाविद्यालय के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर में जो कि 1891 में स्टार्ट हुआ था, 2005 से मैं भी इस महाविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी हूँ। जो व्यवस्थाएं डॉक्टर सुरेश सिलावट प्राचार्य के समय में अर्जित की गई हैं वो पहले नहीं थी। केमिस्ट्री विभाग में HPLC, FTIR, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, फिजिक्स में XRD, फिजिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे कई अच्छे उपकरण, कॉस्टली उपकरण क्रय किए गए हैं कि जो महाविद्यालय की गरिमा और शोभा के अनुरूप हैं। अभी केमिस्ट्री विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम रखा गया। वैसे तो शासन की नीति के अनुसार इंटर्नशिप प्रोग्राम विद्यार्थियों को बाहर से करना होता है, परंतु जो केमिस्ट्री विभाग द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा गया और उनमें उन बच्चों को जो ये महंगे उपकरण हैं जो बच्चों को शायद कभी पेपर में देखने को तो मिलते हैं, फिजिकली देखने को नहीं मिलते हैं, वो उपकरण उन्होंने यहाँ पर ऑपरेट करके देखे हैं, उनके बारे में चलाना सीखा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे उपकरणों की जो महत्ता और विद्यार्थियों को इतना ज़्यादा लाभ होगा कि अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए या रिसर्च वर्क के लिए अगर कहीं जाना चाहते हैं तो बहुत उपयोगी होंगे। हमारी ये कोशिश है प्राचार्य महोदय के सानिध्य में कि हम इस महाविद्यालय को और यहाँ के विद्यार्थियों को और अच्छे से अच्छे उपकरण उपलब्ध कराएं और विद्यार्थी उसका लाभ लें, ऐसी मेरी कामना है और सभी विद्यार्थियों को इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। नेक प्रभारी व जियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु गाडगिल सर ने भी कार्यक्रम की सराहना की। महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा इंस्ट्रूमेंटेशन पे इंटर्नशिप का आयोजन किया गया और इस इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को बहुत उसका लाभ मिला है। महाविद्यालय के विद्यार्थी और अन्य महाविद्यालय के विद्यार्थी को जो केमिस्ट्री में विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनमें इंटर्नशिप का मौका मिला। इंस्ट्रूमेंट्स की जो सारी जो प्रक्रिया होती है सीखने की, इंस्ट्रूमेंट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसके बाद जो एनालिसिस होती है, उसके सारी जानकारी विद्यार्थियों को मिली है और PG के विद्यार्थी भी
इंटर्नशिप के दौरान ये लाभ प्राप्त करें। हमारे केमिस्ट्री विभाग की लैब एक उच्च स्तर की लैब है, जिसमें इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे जो संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान हैं वहाँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जो हमारे महाविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग में हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वो विद्यार्थियों को मिली है कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना, समझा और उस पर काम किया, जो कि बड़े बड़े राष्ट्रीय संस्थानों में जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है और विद्यार्थियों के हित में ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। धन्यवाद। पीजी के विद्यार्थियों को अक्सर अपने अंतिम सेमेस्टर में एक बड़ी ही सामान्य समस्या से जूझना पड़ता है कि आखिर वो अपनी इंटर्नशिप कैसे और कहां से करें, अपनी रिसर्च का विषय क्या चुनें, और जहां बात केमिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज और फॉरेंसिक साइंस लैब की हो तो यह बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर कंपनीज और कई संस्थाएं अपने नियमों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कोर लैब में जाने की अनुमति प्रदान नहीं करती है और अपने महत्वपूर्ण उपकरणों का प्रयोग भी बाधित कर देती है। ऐसे में विद्यार्थी अपने मूल उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं। समस्त प्राध्यापक साथी और इस इंस्ट्रूमेंट प्रशिक्षण केंद्र यानी कि इंटर्नशिप में उपस्थित समस्त छात्र एवं छात्राएँ, आप सभी का रसायन शास्त्र विभाग की ओर से मैं डॉक्टर अनामिका जैन विभाग अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, हमारे साथ न केवल इस महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र जुड़े हैं बल्कि अन्य महाविद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं भी इस इंटर्नशिप को करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न इंडस्ट्रीज़, फार्मा इंडस्ट्रीज़, तकनीकी इंडस्ट्रीज़ में जब छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाता है तो उनकी कुछ लिमिटेशन होती है और वो उन स्टूडेंट्स को अपने कोर बिंदु तक जाने नहीं देते हैं। उनको बहुत ऊपरी सरफेस लेवल का काम सिखाकर या सर्टिफिकेट देकर उनका कर्तव्य से इतिश्री कर लेते हैं। मैं इस अनुभव को बहुत हमेशा याद रखती आई और विगत 5 वर्षों से जब इस महाविद्यालय में मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को धीरे धीरे मंगवाना शुरू किया, इस भागवत लैब को एक इंस्ट्रूमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और लगातार 4th वर्ष अब हम इसमें सफल हुए हैं। और इन छात्राओं को जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, FTIR, HPLC, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और अन्य विभिन्न उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें ये सिखाया जाता है कि जब वे यहाँ से निकलकर किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो अपने इस इंस्ट्रूमेंट के जो प्रशिक्षण है उसका उपयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। पारंपरिक उपकरणों की त्रुटियों के साथ जहाँ अनुसंधान कठिन हुआ करते थे, वहीं आधुनिक उपकरणों ने शोधकर्ताओं को एक नई गति प्रदान की है। हाई सेंसिटिविटी, हाई एक्यूरेसी, हाई इफेक्टिविटी और टाइम फ्रेंडली जैसी विशेषताओं से परिपूर्ण ये उपकरण जितने विशेष हैं उतने ही महंगे और नाजुक भी, किंतु अपने सटीक नतीजों की वजह से इनका उपयोग और भी आवश्यक होता जा रहा है। ऐसे में शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों एवं लैब में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए इन पर अपनी पकड़ बनाना जरूरी हो गया है। इसी बात की गंभीरता और महत्वता को देखते हुए रसायन विभाग ने न केवल अपनी लैब में AAS, HPLC, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, FTIR व XRD जैसे उपकरण जो केमिस्ट्री, फार्मा व अन्य क्षेत्रों में सहायक होने के साथ साथ फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन में पाए जाने वाले सूक्ष्म साक्ष्यों की जांच में अहम भूमिका निभाते हैं, उनको स्थापित किया, बल्कि एक्सपर्ट्स के द्वारा इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स व डेमोंस्ट्रेशंस के साथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग को सफल बनाया। कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अपर्णा गंधे मैम ने HOD मैम के मार्गदर्शन में अपनी टीम मेंबर डॉक्टर नविता खोसला मैम और अन्य फैकल्टीज की सहायता से इस 10 दिवसीय इंटर्नशिप ट्रेनिंग की योजना को मूर्त रूप दिया। गत 4 वर्षों से होलकर विज्ञान महाविद्यालय का रसायन शास्त्र विभाग इंटर्नशिप करवा रहा है, जिसका हमें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। स्टूडेंट्स बहुत प्रोएक्टिव हैं, ब्रिलियंट हैं।
इन्होंने इंटर्नशिप में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एचओडी डॉक्टर अनामिका जैन मैडम के मार्गदर्शन में लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एचपीएलसी, एफटीआईआर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होलकर साइंस कॉलेज की लैब में होने से स्टूडेंट्स को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। इस वर्ष का रिस्पॉन्स तो हमें बहुत ही अच्छा मिला है, जिसकी वजह से हमने इंटर्नशिप की सेकेंड बैच भी शुरू की है और मैं स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू। 10 दिवसीय इंटर्नशिप ट्रेनिंग का शुभारंभ करियर गाइडेंस, मोटिवेशनल स्पीकर व बॉटनी प्रोफेसर डॉक्टर अमिया पहारे सर के प्रेरणा युक्त भाषण से हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को रिसर्च क्षेत्रों व कंपनी में करियर बनाने को लेकर मार्गदर्शन प्रदान किया व अपने करियर में उपकरणों के अभाव का अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह यह इंटर्नशिप ट्रेनिंग विद्यार्थियों के लिए कारगर सिद्ध होगी। रसायन शास्त्र विभाग होलकर साइंस कॉलेज द्वारा एमएससी के विद्यार्थियों के लिए जो ये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे बच्चों की रोजगार मूलकता में वृद्धि होगी। मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आज हमने इनसे जो मोटिवेशन के बारे में बात की है, ये भविष्य में उसका ध्यान रखेंगे तो ये सॉफ्ट स्किल इनके करियर के लिए इन्हें मदद करेंगे और ये एक बेहतर जॉब प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। इस बेला का पहला लेक्चर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर डॉक्टर आर सोमनी मैम के द्वारा दिया गया। डिफ्रैक्शन पर डॉक्टर नेत्राम कौरव सर, एचपीएलसी पर डॉक्टर एम के द्विवेदी सर, मलेएस पर डॉक्टर धनंजय द्विवेदी सर, एफटीआईआर पर डॉक्टर गीता सारासन मैम, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर डॉक्टर प्रमिला कौरी मैम, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पर डॉक्टर संदीप गौहर सर, रिमेट्रिक मेजरमेंट्स पर डॉक्टर नम्रता पाठक मैम, कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट्स पर डॉक्टर रचना दुबे मैम, पीएच मेट्री पर डॉक्टर नमिता बेंडे मैम, क्लिनिकल केमिस्ट्री पर डॉक्टर पुष्पा मकवाने मैम, सीएसआईआर नेट स्लेट की तैयारी को लेकर डॉक्टर साधना सचदेवा मैम ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए प्रशिक्षण का सैद्धांतिक भाग सम्पन्न किया। सैद्धांतिक कक्षाओं के पश्चात लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से विद्यार्थियों का प्रशिक्षण और भी रोचक बनाया गया। एलाइट इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर सुबोध ठाकुर सर ने इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाई और अपने 15 वर्षों के अनुभव को साझा करते हुए विद्यार्थियों को उपकरणों की उपयोगिताओं से अवगत करवाया। उनके संचालन में विद्यार्थियों को निपुण करने का अभ्यास किया तथा प्रत्येक बारीकियों से रूबरू करवाया। अतः उपकरणों के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी देते हुए सावधानियां कैसे बरतें, इस विषय पर भी विशेष प्रकाश डाला। नेम इज सुबोध ठाकुर, आई एम फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एंड हैविंग अ 15 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट फील्ड फॉर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। टेकन एन इनिशिएटिव की टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इट शुड बी अवेलेबल इन टू प्रमाइसेस इटसेल्फ। बच्चों को भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े, यहीं पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर इंस्ट्रूमेंटेशन पर मिल पाए। So we have came with Elite Institute of Research and Technology. So we are providing technical research help to PhD scholars or maybe some new aspirants from MSc. And हम लोग help करते हैं to analyze their samples, outputs or their final products. Initiative of Holkar College and our Elite Institute, we are trying to guide people for instrumentation technologies. Thank you. इस instrumentation training program में न केवल रसायन विभाग के विद्यार्थियों ने भाग लिया बल्कि फार्मा, फॉरेंसिक साइंस विभाग एवं न्यू जीडीसी कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों ने भी अपनी रुचि दिखाई व इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए एवं विद्यार्थियों को विभागाध्यक्ष व अतिथियों की उपस्थिति में सर्टिफिकेट वितरण व सक्रिय विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात विभिन्न विभाग के विद्यार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मैं वंशिका मेहता होलकर विज्ञान महाविद्यालय के रसायन विभाग की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में 10 दिवसीय इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजन किया गया और इसमें हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बारे में बताया गया और साथ ही उनका उचित संचालन इंडस्ट्री के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। प्रैक्टिकली सेशंस में हमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव एंड नॉलेजेबल था। साथ ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा हमें थ्योरेटिकल सेशंस दिए गए और नेट स्लेट प्रिपरेशन के बारे में भी हमें अवगत कराया गया जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।
मैं सुरभि दुबे एमएससी फाइनल केमिस्ट्री होलकर साइंस कॉलेज की छात्रा आपके समक्ष इस 10 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम से प्राप्त अपने अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। इस 10 दिवसीय इंस्ट्रूमेंटेशन इंटर्नशिप कार्यक्रम में हमें आधुनिक यंत्रों जैसे यूवे विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर HPLC एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स और विभिन्न क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से अवगत कराया गया तथा उनका उचित संचालन विशेषज्ञों द्वारा कराया जो कि हमें भविष्य में हाईटेक कंपनीज में इनका आसानी से उपयोग करने में सहायक होगी। प्रशिक्षण के दौरान हमें जिन उपकरणों से अवगत कराया गया वह केवल सैद्धांतिक रूप से हमें पढ़ाए जाते थे किंतु रसायन विभाग ने हमें इन उपकरणों से प्रायोगिक रूप से भी रूबरू कराया जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के इस प्रतिस्पर्धी माहौल में यह प्रशिक्षण हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। धन्यवाद। फॉरेंसिक साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीआर चौरे सर ने रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनामिका जैन मैम के इस उपकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशंसा की व अपने विभाग के विद्यार्थियों को इस प्रशिक्षण में अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा बच्चों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह इंटर्नशिप इंस्ट्रूमेंट पे आधारित थी और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के 10 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चूँकि पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट पे था, बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के संदर्भ में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लैम फोटोमीटर, अल्ट्रारेड से रिलेटेड FTIR काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बच्चों को सीखने को मिले जिनका कि उपयोग फॉरेंसिक विज्ञान में भी किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर अनामिका जैन मैडम को। और इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहें और सभी विभाग के बच्चे लाभान्वित होते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के द्वारा 4 वर्षों से निरंतर किए जा रहे प्रयासों से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस वर्ष सफलता के एक नवीन रूप में उभरा एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की द्वितीय बैच का भी आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।